बादल गुप्ता भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग पर हमला शुरू करने के लिए जाने जाते हैं। बेनोसा बासु और दिनेश गुप्ता के साथ कलकत्ता में डालोजी स्क्वायर। बादल गुप्ता का जन्म ढाका के बिकामापुर क्षेत्र के पूर्व सिमोलिया में गाँव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश के मुर्शिदगंज जिले में है। बादल गुप्ता अपने दो चर्चा स्वर्गीय धनीनाथ गुप्ता और नागेंद्रनाथ गुप्ता की क्रांतिकारी गतिविधियों से भी प्रभावित थे, जो अलीपुर बम कांड में शामिल थे। रूसी अरविंद घोष के साथ जेल गए बादल गुप्ता 1928 में बालक सभा सेवक में शामिल हुए। बंगाल के सभा सेवक ने जेलों के महानिरीक्षक लेफ्टिनेंट कर्नल NIS सिपरसन को निशाना बनाया, जो जेलों में कैदियों के उत्पीड़न के लिए कुख्यात थे। लकात के डालहौजी चौराहे पर सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग पर हमला करके ब्रिटिश अधिकारियों हलाकों में अतक पैदा करने का भी फैसला किया। 8 सितंबर 1930 को बादल दिनेश गुप्ता और बेनोई के साथ यूरोपीय पोशाक पहने राइडर्स बिल्डिंग में घुस गए और सिपाहसन की गोली मारकर हत्या कर दी। इमारत में मौजूद पुलिस ने जवाब में उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद तीन युवा क्रांतिकारी और पुलिस के बीच एक सख्ती गोलीबारी हुई। शूटिंग के दौरान टिविना पेटिसा और नेशनल जैसे कुछ अन्य अधिकारियों को चोट आई। जल्दी पुलिस ने उन पर काबू पा लिया, हालांकि तीनों गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे। बादल ने पोटेशियम साइनाइड ने ले लिया, जबकि बेनोई और दिनेश ने अपनी अपनी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। बादल की मौके पर ही मौत हो गई। जब वह घटना घटी उस दौरान वह सिर्फ 18 साल के थे।